क्रिकेट जगत सलाम करते हैं ऐसे क्रिकेटरों के जज्बे को जिन्होंने अपनी एकमात्र बेटी को खोने के बाद भी क्रीज पर आकर शतक जड़ाए। जी हम बात कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ वर्सेस बड़ौदा के बीच एक मैच खेला जा रहा है जिसमें विजय सोलंकी ने एक शतक जड़ दिया है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले उनकी बेटी का स्वर्गवास हो गया था और वह अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद क्रीज पर खेलने के लिए आया था। आपको बता दें कि इसी तरह की सेम घटना विराट कोहली के साथ भी हुआ था। जब विराट कोहली दिल्ली के लिए खेल रहे थे तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। क्रिकेट के प्रति इनके अटूट समर्पण भावना को आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।